साथियों आदाब, जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल शबाए उर्दू हिंदी में। आज हम सीखेंगे व्यंजन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्यंजन 33 होते हैं और अतिरिक्त व्यंजन यानी संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो 3 होते हैं, 4 होते हैं। तो चलिए व्यंजन को शुरू करते हैं, किस तरह इन्हें पढ़ा जाता है। सबसे पहले है का, खा, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ड, फिर इसके बाद है त, थ, द, ध, न, फिर है प, फ, ब, भ, म, फिर इसके बाद है य, र, ल, व, श, ये भी श, इसके पेट में इस तरह से लाइन होती है, स, ह, इसके बाद है अक्ष, त्र, ज्ञ। तो साथियों देखा आपने किस तरह हमने व्यंजन को पढ़ा। इसके अंदर व्यंजन तो 33 ही हैं, काउंट कर सकते हैं आप, 5, 5, 10, 20 और 30 या 33, ये कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। नीचे के जो लास्ट हैं व्यंजन कितने हैं, 33। तो साथियों आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो ये आज व्यंजन था, हमने व्यंजन पढ़े किस तरह होते हैं और किस तरह आपको सीखना है। बार बार पढ़िए, बार बार लिखिए, प्रैक्टिस करिए। अगर हम किसी से ABCD सुनते हैं तो ए से जेड तक न्यू ही सुना देता है, लेकिन अगर हमें अपने देश की हिंदी नहीं आएगी तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम हिंदी जानते हैं। तो मुझे उम्मीद है और मैं कामना करता हूँ कि आप सभी साथी हिंदी को आगे से आगे तक पहुँचाएंगे। जो लोग इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं लेकिन अगर उनसे आप व्यंजन सुनेंगे तो उन्हें व्यंजन का कुछ पता ही नहीं, ना स्वर याद है और ना ही व्यंजन। तो आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आगे तक पहुंचाएं ताकि सब लोग, हमारे देशवासी, हिंदी भी सीख सकें। धन्यवाद।